Good morning, students. How are you all? So yesterday we just completed up to flower. Flower के कुछ parts पढ़े थे हमने, जैसे कि sepals, petals के बारे में पढ़ा था. And आज हम पढ़ेंगे stamens and pistil के बारे में. So on page number 61, I'm starting the reading. Please stay focused and listen very carefully. Look at the figure 7.23. It shows the different kinds of stamens present. अब जो नीचे जो 7.23 जो फिगर दिखा रहे हैं उसमें वो स्टेमिन दिखा रहे हैं कि स्टेमिन क्या होता है. सो हेयर इज योर 7.23 पार्ट्स ऑफ स्टेमिन. पहले आप स्टेमिन देख लो कि स्टेमिन क्या होता है. पार्ट्स ऑफ फ्लावर आप देख सकते हो कि स्टेमिन को ही क्या बोलते हैं. स्टेमिन आर सम ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स टू विच फ्लावर पेटल्स आर अटैच्ड, आप कह सकते हो. अभी आप पढ़ोगे स्टेमिन के भी बारे में कि स्टेमिन के भी कौन कौन से पार्ट होते हैं. और आप पिस्टिल को भी देख सकते हो, क्यों देख सकते हो कि जो सेपल के ऊपर का जो थोड़ा सा पार्ट होता है, सेपल से बिल्कुल कनेक्टेड जो नीचे का पार्ट होता है वो होता है पिस्टिल, और पिस्टिल के ऊपर का स्टेमिन. अब अपन पढ़ेंगे स्टेमिन के आगे के पार्ट्स. ये हैं स्टेमिन के पार्ट्स. स्टेमिन के और कौन कौन से, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो फिलामेंट है, और जो ऊपर एक जैसे नट जैसा कुछ स्ट्रक्चर है वो है एंथर. अब हम इसकी आगे की रीडिंग पढ़ते हैं. इन डिफरेंट फ्लावर्स इट शोज द डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेमिन्स प्रेजेंट इन डिफरेंट फ्लावर्स. कैन यू रिकॉग्नाइज बोथ द पार्ट ऑफ द स्टेमिन्स इन योर फ्लावर? क्या जो स्टेमिन के जो ये पार्ट हैं, जो फिलामेंट और जो एंथर है, क्या आप हर किसी फ्लावर में देख सकते हो क्या? हाउ मेनी स्टेमिन्स आर देयर इन योर फ्लावर? आपके फ्लावर में कितने स्टेमिन्स हैं? Draw one stamen and label its part. आप एक stamen बनाओ और उसके parts को label करो. अब stamen के parts कौन कौन से हैं? एक filament और एक anther है, उसको label करो अगर आपके flower में हैं ये दोनों parts तो. The innermost part of a flower is called pistil. जो innermost जो part होता है आप देख सकते हो, जो innermost part होता है वो होता है pistil. If you cannot see it completely, remove the remaining stamens. Identify the parts of the pistils with the help of figure 7.24. अगर आपको पिस्टल नहीं दिख रहा है अच्छे से तो आप क्या करोगे, आप सारे स्टेमेंस हटा दो, तब जाके आपको पिस्टल दिखाई देगा. और पिस्टल के पार्ट देखने के लिए, पिस्टल के अंदर के भी क्या पार्ट्स होते हैं, जैसे इस फिगर 7.24 में दिया हुआ है, स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी, ये पिस्टल के पार्ट होते हैं. स्टेमिन के भी पार्ट होते हैं और पिस्टल के भी पार्ट दिए. पिस्टल के पार्ट दिए हुए हैं स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी. अब इसको देखने के लिए आप सारे स्टेमिन्स, जो ये स्टेमिन्स सारे आप हटा दोगे तब आपको पिस्टल के अंदर के पार्ट्स दिखाई देंगे. ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ द पिस्टल ऑफ योर फ्लावर. और जो आपका जो फ्लावर है उसका एक लेबल डायग्राम पिस्टल का बनाओ. नाउ एक्टिविटी 11, लेट अस नाउ स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी ऑफ अ फ्लावर. अब जो ये ओवरी है आप देख सकते हो, जो ये ओवरी है, अब आप ओवरी के बारे में पढ़ोगे. 7.24 जो ऊपर दिखाया मैंने, इट इज़ द लोअर मोस्ट एंड स्वोलन पार्ट ऑफ द पिस्टल. ये क्या है, ये लोअर मोस्ट पार्ट है और ये स्वोलन मतलब थोड़ा सा मोटा होता है, नॉर्मल से ज़्यादा थोड़ा सा मोटा होता है, ये वो पार्ट है, इसको कहते हैं ओवरी. वी विल कट दिस पार्ट टू स्टडी हाउ इट लुक्स इनसाइड. अब हम इसको काटेंगे कि ये अंदर से कैसा दिखता है, मतलब ओवरी के अंदर क्या होता है. Look at figure 7.25A and B carefully to understand how to cut the ovary of a flower. अब आप इन दोनों को देखो कि आप ओवरी को कैसे काटोगे. Take two ovaries from different flowers. दो ovaries लो, मतलब दो different flowers की. Cut them into two different ways as shown in figure 7.25. अब जैसे 7.25 में दो डिफरेंट तरीकों से काटा गया है कटिंग एन ओवरी, ए लॉन्गिट्यूडिनल वे में, दूसरा ट्रांसवर्स कट में, एक लंबे में और एक ऐसा लेटे हुए में. टू प्रिवेंट देम फ्रॉम ड्राइंग, और इसको सूखने से बचाने के लिए कि सूखे ना, उसमें थोड़ा थोड़ा ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालते जाओ. ऑन ईच ऑफ द टू पीसेज ऑफ द ओवरी यू हैव कट, मतलब ओवरी को आपने काट लिया तो दो पीसेज हो गए ना, दोनों पीसेज पे ड्रॉप ऑफ वाटर डालते जाओ उसको सूखने से बचाने के लिए. ऑब्जर्व द इनर पार्ट्स ऑफ द ओवरी यूजिंग अ लेंस. अब आपको नॉर्मली नहीं दिखाई देगा तो आपको लेंस, मैग्नीफाइंग लेंस यूज़ करना पड़ेगा उसके अंदर के पार्ट्स को देखने के लिए. 7.26 अभी मैं दिखाऊंगी कैसे.
Do you see some bead like do you see some small bead like structure inside the ovary? They are called ovules. अब जब आप ओवरी काट लोगे अपनी तो वो कुछ ऐसी दिखाई देगी. इनर स्ट्रक्चर ऑफ एन ओवरी. ए जो था वो उसमें लॉन्गिट्यूडनल कट डाला था हमने और वो दो हाफ्स में हो गया था. जो बी था हमने उसमें ट्रांसवर्स कट डाला था तो उसमें वो ऐसा दिखेगा. अब जो ये अंदर की जो स्मॉल बीड लाइक थोड़े मोती जैसे जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं दोनों में, लॉन्गिट्यूडनल कट वाले में भी और ट्रांसवर्स कट वाले में, ओवरी के अंदर इसको बोलते हैं ओव्यूल्स. इनको क्या बोलते हैं? ओव्यूल्स. ड्रॉ एंड लेबल द इनर पार्ट्स ऑफ द ओवरी इन योर नोटबुक. आपको ओवरी भी ड्रॉ करनी है जैसे इसमें दिखाई गई थी. ऑन योर फील्ड ट्रिप ट्राई टू फाइंड आउट द नेम्स ऑफ एज मेनी फ्लावर्स एज यू कैन बाय आस्किंग द गार्डनर और एनी अदर पर्सन. अब आप जितने फ्लावर्स आपको मिल रहे हैं आप उनके सबके नाम लिखते जाओ. रिमेंबर नॉट टू प्लग मोर फ्लावर्स देन यू. अगर जितने फ्लावर्स आपको नीडेड है आप उतने ही लेना, उससे ज़्यादा फ्लावर्स प्लग मत करना. जैसे वो जैसे एज ऑल गार्डन्स में मना रहता है, इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू प्लग द फ्लावर्स. बेस्ड ऑन वॉट यू हैव फिल्ड इन टेबल 7.3. अब जो पीछे से टेबल 7.3 में आपने जो इन्फॉर्मेशन फिल करी होगी एक्टिविटी करने के बाद, अभी कुछ आंसर्स के क्वेश्चन दो. आंसर्स कैसे हैं वो क्वेश्चन कैसे हैं, क्वेश्चन के आंसर दो. तो क्वेश्चन कैसे हैं? डू ऑल फ्लावर्स हैव सेपल्स पेटल्स स्टेमिन्स एंड पिस्टल. क्या हर फ्लावर में ये चारों पार्ट हैं आपके पास, आपके जो फ्लावर में चारों पार्ट हैं ये? आर देयर फ्लावर्स दैट डू नॉट हैव एनी ऑफ दिस. क्या ऐसे भी फ्लावर्स हैं जिसमें ये चारों ही नहीं है? आर देयर फ्लावर्स विच हैव पार्ट्स अदर देन दिस. क्या ऐसा कोई फ्लावर जिसमें इन जो हमने पढ़ा कि इनके अलावा कोई पार्ट हो? डू यू फाइंड एनी फ्लावर्स विच हैव सेपल्स एंड पेटल्स दैट लुक सिमिलर. क्या ऐसे कोई फ्लावर्स है जिसमें सेपल्स और पेटल्स, याद रखना सेपल्स और पेटल्स क्या थे? पेटल्स मतलब पत्तियाँ और जो सेपल्स मतलब पत्तियों से कनेक्टेड जो नीचे छोटी छोटी लीव्स होती हैं. क्या दोनों में क्या मतलब ऐसा कोई फ्लावर है कि जिसमें सेपल्स और पेटल्स दोनों सेम सेम सिमिलर लुकिंग वाले हैं? डिड यू फाइंड एनी फ्लावर्स इन विच द नंबर ऑफ सेपल्स इज डिफरेंट फ्रॉम द नंबर ऑफ पेटल्स. क्या ऐसे कोई फ्लावर है जिसमें नंबर ऑफ सेपल्स और नंबर ऑफ पेटल्स अलग अलग हैं? डू यू नो एग्री दैट द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर इज नॉट ऑलवेज द सेम. अब क्या आप एग्री करोगे कि जो फ्लावर है, फ्लावर का जो स्ट्रक्चर है वो हमेशा सेम नहीं होता है? द नंबर ऑफ सेपल्स पेटल्स स्टेमिन्स एंड पिस्टल्स मे ऑल्सो बी डिफरेंट इन डिफरेंट फ्लावर्स. हर अलग अलग फ्लावर्स में इन सब का नंबर अलग अलग होगा, जरूरी नहीं कि सेम हो. समटाइम्स सम ऑफ दिस पार्ट्स मे इवन बी एबसेंट. और कभी कभार कुछ फ्लावर्स, कुछ प्लांट के फ्लावर्स में ये पार्ट, इनमें से कोई पार्ट या ये पार्ट एबसेंट भी हो सकता है. वी हैव स्टडीड सम फीचर्स एंड फंक्शंस ऑफ लीव्स स्टेम्स एंड रूट्स. हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा? हमने पार्ट्स पढ़े, हमने फंक्शंस पढ़े, लीव के, स्टेम के, रूट के, फ्लावर के बारे में पढ़ा, फ्लावर के पार्ट्स पढ़े. वी हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स. हमने स्ट्रक्चर पढ़ा फ्लावर्स का कि फ्लावर्स में क्या 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 पार्ट होते हैं, उन पार्ट्स के क्या सब पार्ट्स होते हैं. वी विल लर्न अबाउट द फंक्शन ऑफ फ्लावर्स इन हायर क्लासेस. अब जो हम फंक्शन के जो फ्लावर्स के जो फंक्शन है, हमने अभी पार्ट ऑफ फ्लावर मतलब स्ट्रक्चर पढ़ा कि फ्लावर के अंदर क्या क्या होता है और उन पार्ट्स के अंदर के भी सब पार्ट्स पढ़े. जैसे स्टेमिन के भी पार्ट्स होते हैं, जैसे ओवरी के भी पार्ट्स होते हैं, पिस्टल के भी पार्ट्स होते हैं, हमने ये सब पढ़ा. बट जो फंक्शन ऑफ फ्लावर है वो हमने अभी नहीं पढ़ा, वो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट फ्रूट्स इन हायर क्लासेस. और हम अपनी आगे वाली आने वाली क्लासेस में हम फ्रूट्स के बारे में ही पढ़ेंगे. सो आज हेयर वी आर एंडिंग आवर चैप्टर. आज हमारा चैप्टर ख़त्म होता है. प्लीज़ गो थ्रू योर ऑल योर वीडियोज़ एंड लेक्चर्स केयरफुली एंड अंडरस्टैंड देम प्रॉपरली. और कोई भी अगर आपने बीच में स्किप की हो तो उसको प्लीज़ ध्यान से देख लीजिएगा, सो दैट you should not miss any point in a chapter and get that in your mind very clearly. और नहीं समझ में आ रहा है एक वीडियो तो आप उसको दो तीन बार जब देखोगे बिल्कुल फोकस्ड होकर देखोगे, ऑफकोर्स 110% आपको समझ में आ जाएगा. कोई इतना डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, इट्स वेरी एंड वेरी ईजी. ओके चिल्ड्रेन, सो हेयर वी हैव कम्प्लीटेड अवर चैप्टर 7 गेटिंग टू नो अबाउट प्लांट्स. Now we would meet next to next week with a new chapter, that is chapter number 8. So till that, read and revise.
and please carry on with her all lectures and videos very properly. Till that, stay safe and stay home. Thank you.